お前はもう死んでいる。ये पबजी वाला है क्या? सरकार ने बैन कर दिए हैं और इनमें सबसे पॉपुलर पबजी मोबाइल गेम ऐप। पैसा बर्बाद बहन। हेलो श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे काफी एक कंट्रोवर्सी चल रही है और उस कंट्रोवर्सी में मैं भी इन्वॉल्व हो गया हूँ। तो आज के शो को शुरू करने से पहले उस कंट्रोवर्सी को जरा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो हुआ ये है कि पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर एक्स मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में खूब लड़ाई चल रही है, और ये शुरू इसलिए हुआ क्योंकि कुछ एक्स मुस्लिम्स हैं वो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने लगे, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो हिंदू ट्विटर अकाउंट्स हैं कुछ वो खूब आकर इन एक्स मुस्लिम्स को गाली देने लगे। तो इन एक्स मुस्लिम्स ने रिएक्ट ऐसे किया कि उन्होंने फिर कुछ हिंदू देवियों को बहुत ही सेक्सुअल तरीके से उनको दिखाना शुरू कर दिया और उनके ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट करने शुरू कर दिए। अब देखिए, मैं ये पहले भी कह चुका हूं और मैं ये आज भी कह रहा हूं कि किसी के देवी देवताओं को जबरदस्ती गालियां देने से, जबरदस्ती इंसल्ट करने से जो डिस्कोर्स है, जो डिस्कशन है रिलीजन्स के बारे में, वो आगे नहीं बढ़ता। आप चाहें तो रिलीजियस आइडियोलॉजी को डिस्कस करें, आप चाहें तो रिलीजियस आइडियोलॉजी को जितना चाहे क्रिटिसाइज करें। दूसरी बात यह है कि एक्स मुस्लिम्स एक्चुअली इस बात को नहीं समझते हैं कि कुछ लोग भारत में हैं जो एक्चुअली इन देवियों को एक माँ की तरह देखते हैं, एक मदरली फिगर की तरह देखते हैं। तो एक्स मुस्लिम्स में भी एक अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है, और मुझे नहीं लगता कि जो मीम्स उन्होंने पोस्ट किए उससे डिस्कोर्स आगे बढ़ने वाला है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब यह भी हुआ कि इस तरह के ट्वीट्स पब्लिश करने का भी उन लोगों को फ्रीडम होने चाहिए। अब उसका रिजल्ट यह हुआ है कि कुछ ट्विटर हैंडल्स ने, जिस एक्स मुस्लिम्स ने हिंदू देवियों के बारे में ट्वीट्स लिखे थे, उसकी माँ की फोटोज लेकर उसको पॉन्ड में लगा दिया, उसकी मरी हुई माँ की फोटो लेकर गैंग बैंग के बारे में जोक करने लगे। अब देखिए, अगर आप प्रॉफेट मोहम्मद, जीसस और हिंदू देवी देवताओं के बीच में लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, एक रिलीजियस लेवल पर लड़ाई हो रही है, तो उसमें किसी के फैमिली को जबरदस्ती घसीटने की जरूरत नहीं। मैंने देखा है कि कई हिंदू भी प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में और जीसस के बारे में कई अलग अलग तरीके के मीम्स पब्लिश करते हैं, तो मुझे ये ठीक नहीं लगा कि किसी की मरी हुई माँ को इस तरह से इस इशू में घसीटा गया है। तो मैंने उसके नीचे कॉमेंट भी किया कि ये ठीक नहीं था। अब देखिए, भले ही जिस बंदे ने ये कमेंट किया हो ये कमेंट गलत हो, लेकिन फिर भी उस बंदे को इस तरह का घटिया कमेंट करने की फ्रीडम है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। अब ये ट्विटर के ऊपर है कि वो इस एक्स मुस्लिम ने जो पोस्ट लिखा है उसको डिलीट करे, या फिर इस बंदे ने जो उस एक्स मुस्लिम की मरी हुई माँ के ऊपर एक भद्दा पोस्ट लिखा है उसको डिलीट करे। ये ट्विटर को डिसाइड करना है। दोनों की फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये चीजें आती हैं, और इसलिए ट्विटर पे ट्विंडोलॉजी ने पोस्ट किया है जो ये ट्वीट, इस बात से मैं अग्री करता हूं, और इसलिए मैंने इस ट्वीट को रीट्वीट भी किया था। लेकिन कुछ लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आया। मेरा एक छोटा सा इंटेलेक्चुअल कंसेप्चुअल डिसएग्रीमेंट था, और कुछ ट्विटर अकाउंट्स ने तो भैया लिस्ट बनाना शुरू कर दिया कि भाई ये लिस्ट है इन लोगों का जो माँ काली को जो अब्यूज किया जा रहा है उसको सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमने कभी भी माँ काली के अब्यूज को सपोर्ट किया है आकर। इन लिस्टों में कुछ राइट विंग की औरतों के भी नाम है, और अब यही हिंदू है जो इन राइट विंग की औरतों को जाकर गालियां दे रहे हैं ट्विटर पे। फनी बात तो यह है कि एक अकाउंट है इनमें से जिसने मेरा नाम एक लिस्ट में डाला है, ये वही अकाउंट है जिसको 2019 में लेफ्टिस्टों ने और ऑल्ट न्यूज ने डॉक्स कर दिया था और इसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया पर डाल दिया था। उस समय मैंने अपने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में मैंने डिफेंड किया था इस बंदे को कि इसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी डिफेंड करना चाहिए, और इसको डॉक्स करना और इसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को लीक करना बिल्कुल गलत था। और इतना काफी नहीं था तो स्क्विंट नियॉन, जिसको डॉक्स किया गया है, जिसकी सारी इंफॉर्मेशन लीक हुई है, उसकी मदद करने के बजाय ट्विटर ने उसी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। लेफ्टिस्ट बोलते हैं कि भाई ये जो मीम्स हैं ये एक तरह की हिंसा है और इसलिए इनको बंद करना जरूरी है। तो भैया एक चीज तो अपने दिमाग में डाल लो, मीम बनाना हिंसा नहीं होती है। देखिए, डॉक्सिंग के पीछे आइडिया ये होता है कि आप किसी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक कर दें ताकि उसकी पूरी रेपुटेशन ख़राब हो जाए, ताकि उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। तो ये जो एक यंग लड़का है स्क्विंट नियॉन, जिसने कुछ मीम बनाया है सोशल मीडिया पे, ठीक है कुछ मीम जो उसने बनाए वो इनसेंसिटिव थे, ये तो मैं भी मानता हूं, लेकिन इसके लिए क्या उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह कर देनी चाहिए? ये किस तरह का इंसाफ है भाई? और आज यही अकाउंट है जो मुझे आकर लिस्ट पर डाल रहा है। सही कहते हैं लोग भाई, नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तू भी खा। अब देखिए, मैं इन लोगों से कोई सपोर्ट नहीं चाहता हूं, मैं इन लोगों से दोस्ती नहीं चाहता हूं, और मैं इन लोगों के इकोसिस्टम में आना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन अगर फ्यूचर में किसी लेफ्टिस्ट ने या किसी ऑल्ट न्यूज जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने फिर अनफेयरली
इस अकाउंट को टारगेट किया या फिर जो बंदा इस अकाउंट को चलाता है उसको टारगेट किया, तो मैं फिर इसको डिफेंड करने आऊंगा, चाहे ये मुझे कितने भी लिस्ट पर डालें। क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं कि हिंदू कल्चर जो है वो जेन्युइनली फ्रीडम को बढ़ावा देता है, फ्रीडम में विश्वास रखता है, और उसी फ्रीडम में मैं भी विश्वास रखता हूं। अगर आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं इस पोस्ट से तो नीचे जरूर मुझे अपने ओपिनियंस बताएं। और अब वापस लौटते हैं आज के वीडियो पर, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपने अभी खबर देखी होगी कि चाइना ने फिर कोशिश की है इंडियन जमीन पर आने की और इंडियन जमीन को कब्जा करने की, तो उस पर फिर खबर आई है कि इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में फिर से झड़प हुई है। और फिर इंडियन ने कहा कि ठीक है भैया, तुमको अगर बाज नहीं आना है, तुमको अगर ये गंद मचानी ही है, तो ठीक है हम भी जवाब देंगे फिर। तो पिछली बार बेटा हमने टिकटॉक बैन किया था, तो अब तू पबजी ले। सरकार ने बैन कर दिए और इनमें सबसे पॉपुलर पबजी मोबाइल गेम ऐप, उस पर भी बैन लगा दिया गया है। अब देखिए, आप तो जानते हैं कि एक 100% सेक्युलर चैनल होते हुए इस तरह से जो इंडिया ने चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ ये कदम लिया है, ये बिल्कुल गलत है। तो पबजी के बारे में मैं आपको बता दूं कि पबजी जो है इसको एक्चुअली एक कोरियन गेम कंपनी ने डेवलप किया था, लेकिन इस गेम का जो मोबाइल वर्जन है उसको एक चाइनीज कंपनी ने डेवलप किया था। और ये ऐप जो है ये बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में, इसके 50 मिलियन डाउनलोड हुए हैं इंडिया में और इसके 33 मिलियन एक्टिव यूजर्स हुआ करते थे इंडिया में। ऐप एनी एक कंपनी है, उसने इंडिया के पबजी को एक यूनिकॉर्न ऐप डिक्लेयर किया है, यानी इस ऐप का इंडिया में $1 बिलियन का वैल्यूएशन है। और PUBG Lite के जो वर्ल्ड वाइड यूजर्स हैं उसमें से 50% यूजर्स जो हैं वो इंडिया में हैं। तो क्लियरली PUBG मोबाइल जो है ये इस चाइनीज कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू जनरेटर था और एक बहुत ही बड़ा यूजर जनरेटर था। तो मोदी ने भी बोला कि ठीक है बेटा, तुमको अगर हमारी जमीन चाहिए, तुमको अगर हमारे सिपाहियों को मारना है तो ये ले। अब बेचारा PUBG भी सोच रहा होगा, इन दोनों के लफड़े में मेरे को क्यों फंसा के रखा है, उठा ले रे बाबा, उठा ले मेरे को, नहीं रे इन दोनों को उठा ले। First time. अब लोग सोच रहे होंगे कि यार हम क्या करें, अब तुमने PUBG बैन कर दिया तो हम क्या करें, वापस जाके कैंडी क्रश खेलें? और तब आए अक्षय कुमार। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी। तो अक्षय कुमार ने एक इंडियन मेड अल्टरनेटिव PUBG का अनाउंस किया है, जिसको कहा जाता है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड फौजी। अरे यार राइम क्यों करवा दिया है, अब आपने राइम करवा दिया तो सुन के ये लगता है कि पैरोडी है। और लोगों ने फिर नीचे ट्वीट करना शुरू कर दिया कि नए नए गेम्स निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि बाबूजी, सासूजी, सबजी, गुरुजी एंड 2008 से हम सबका फेवरेट गेम बबीता जी। और इन्होंने जो पबजी से एक नया गेम निकाला है फौजी, इससे मैं भी सोचा था कि इंडिया में चाइना के जो एप्स हैं उनके जो अल्टरनेटिव्स हैं उनके नाम क्या रखे जा सकते हैं, जैसे कि टिकटॉक को आप बना दो जोर से भौंक, बाइडू को आप बना दो झंडू, ए पस लॉन्चर को आप बना दो ए बस लॉन्चर, वीचैट को आप बना दो आलू चैट, वॉरपाथ को आप बना दो अग्निपाथ, और फाइनली पेंगुइन एफएम। नाउ डोंट डू इट, नाउ डोंट डू इट। और अगर आप चाइनीज ऐप्स के कुछ अल्टरनेटिव जो इंडियन ऐप्स बन सकते हैं फ्यूचर में उनके कुछ क्रिएटिव नाम सजेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट करें। तो इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि कई लोग कह रहे हैं कि यार PUBG के बैन होने के अनाउंसमेंट के 2-3 दिन के बाद ही अक्षय कुमार ने इतनी जल्दी एक नया गेम कैसे अनाउंस कर दिया, क्या इनको कुछ पहले से इन्फॉर्मेशन थी, क्या इनको कुछ ऐसा पता था जो हम लोगों को नहीं पता। तो कंपनी ने भी ये एक्सप्लेन किया है कि ये जो गेम था ये एक्चुअली इस साल के मई जून से तैयार किया जा रहा था, क्योंकि कंपनी ने भी सोच के रखा होता कि भाई देखिए भारत में चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया है, टिकटॉक को बैन कर दिया गया है, और PUBG मोबाइल भी जो है उसको एक चाइनीज कंपनी ने डिजाइन किया है, मैन्युफैक्चर किया है, अगर फ्यूचर में PUBG बैन होता है या फिर अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट PUBG को बैन करने के बारे में सोचती है तो अगर हम एक इंडियन अल्टरनेटिव तैयार करते तो हो सकता है कि वो गेम जो है वो इंडियन मार्केट को कैप्चर कर ले। तो ये गेम जो है फौजी, इसको डेवलप किया है एनकोर गेम्स ने। एनकोर गेम्स जो है वो एक बैंगलोर बेस्ड गेम कंपनी है जिसके को फाउंडर है विशाल गोंडल। तो विशाल गोंडल को भारतीय गेम्स का गॉडफादर भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले एक गेम डेवलपमेंट और एक गेम पब्लिशिंग कंपनी डिजाइन की थी इंडिया गेम्स, जिसको उन्होंने फिर डिज्नी को $100 मिलियन में बेचा था। तो ये एक इंसान है जिसको गेम डेवलपमेंट का एक्चुअली काफी लंबा एक्सपीरियंस है। तो फौजी जो गेम है वो होगा क्या, तो फौजी बेसिकली एक सिंगल प्लेयर या फिर एक बैटल रॉयल स्टाइल एक मल्टीप्लेयर है PUBG जैसा। इस गेम का एम है कि इंडियंस को क्रूशियल इंडियन जो बैटल्स हैं उनके बारे में एजुकेट करना और इंडियन आर्मी के बारे में एजुकेट करना। जैसे कि इस गेम में एक स्टेज रहेगा जो गालवान वैली में इंडिया और चाइना के आर्मी के बीच में झड़प हुई थी,
उसके बारे में भी। और अक्षय कुमार ने यह भी अनाउंस किया है कि फौजी गेम के सेल्स से जो भी रेवेन्यूज आएंगे उसमें से 20% जो रेवेन्यूज हैं वो गवर्नमेंट का जो एक भारत के वीर प्रोग्राम है उसको दिए जाएंगे। भारत के वीर जो प्रोग्राम है वो एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो उन सोल्जर्स की फैमिलीज को मदद करता है जो सोल्जर्स लाइन ऑफ ड्यूटी में वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। एक और रूमर इसका बड़ा इंटरेस्टिंग निकल कर आया है कि ये जो गेम है ये किसी तरह से सुशांत सिंह से चोरी किया गया है, कि सुशांत सिंह ने इस गेम को डेवलप किया था और अक्षय कुमार और एनकोर गेम्स ने इस गेम का आइडिया उनसे चोरी कर लिया है। बेसिकली लोगों ने ये कहा है कि जून में सुशांत सिंह ने अनाउंस किया था कि वो अपने पार्टनर के साथ एक वीडियो गेम डेवलप कर रहे हैं और उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था कि उनको कोडिंग का बहुत शौक है, लेकिन इस क्लेम के पीछे लोगों ने कोई खास एविडेंस नहीं दिया है कि भाई किस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लियरली कि इस गेम को सुशांत सिंह से लिया गया है। जो एनकोर गेम्स है उन्होंने भी स्टेटमेंट रिलीज किया है कि इस गेम को पूरी तरह से एनकोर गेम्स ने डेवलप किया है और इसका मेंटरशिप जो है वो अक्षय कुमार ने किया है, इसका सुशांत सिंह से कोई लेना देना कभी भी नहीं रहा है। तो आपके पास अगर कोई ऐसी एविडेंस है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसी लिंक्स है जो दिखाती है कि इस गेम की आइडिया को सुशांत सिंह से लिया गया है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं या फिर मुझे ईमेल करें या फिर मुझे ट्विटर पर टैग करें और मैं उसको जरूर एक्सप्लोर करूंगा। और फिर कुछ लोग आके ये भी बोलने लगे कि भाई ये जो आपने फोटो शेयर की है फौजी गेम की ये तो भैया शटरस्टॉक से कॉपी की हुई है। तो इसका भी जो एनकोर गेम्स है उन्होंने क्लैरिफिकेशन इशू किया है कि भाई ये सिर्फ गेम अनाउंसमेंट का पोस्टर है, ये एक्चुअल गेम का पोस्टर नहीं है। उन्होंने जो शटरस्टॉक की इमेज थी उसको खरीद कर ये एक पोस्टर बनाया है। जब गेम पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी और इस गेम को जब प्रॉपरली अनाउंस किया जाएगा तब उसका अलग आर्ट वर्क बनाया जाएगा। अरे ये शटरस्टॉक की फोटो भी आप देख लो, तो इसको देख के आप बोल सकते हो कि इसको उरी के पोस्टर से कॉपी किया गया है। अगर कॉपी करने की ही बात करनी है तो पबजी का जो गेम सिस्टम है वो तो क्वेक के बैटल रॉयल सिस्टम से कॉपी किया हुआ है, टिकटॉक का जो सिस्टम है वो तो वाइन के सिस्टम से कॉपी किया गया है। और देखिए एट द एंड ऑफ द डे तो मैं यही चाहता हूं कि ये गेम जो है ये एक्चुअली अच्छा हो और ये एक्चुअली सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि अभी मोदी गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि वो फोकस करना चाहते हैं इंडियन गेम कंपनीज पे, इंडियन बेस्ड वीडियो गेम्स पे। तो हो सकता है कि आगे जाते हुए अगर इंडियन कंपनीज अच्छे गेम्स डेवलप करें तो उनको गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये गेम अगर एक अच्छा गेम होता है, ये गेम अगर एक सक्सेसफुल गेम होता है, तो इनके पास एक इतनी बड़ी इंडियन मार्केट है जिसको वो कैप्चर कर सकते हैं। अगर इन्होंने इस इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया तो फिर वो फ्यूचर में जाके फॉरेन मार्केट्स को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये गेम सक्सेसफुल होता है इंडिया में तो फिर फ्यूचर में और भी इंडियन कंपनीज है जो इंडियन वीडियो गेम्स में इन्वेस्ट करेंगी, और भी इंडियन कंपनीज है जो इस एरिया में आएंगी, और होपफुली और भी सक्सेसफुल इंडियन वीडियो गेम्स कंपनीज आगे जाकर डेवलप होंगी। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडियन वीडियो गेम कंपनीज के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने के लिए और इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए। तो इस गेम के बारे में जो मीम्स बनकर आ रहे हैं वो फनी हैं, इन मीम्स को एंजॉय कीजिए, लेकिन जब ये गेम निकल कर आएगा तो इस गेम को ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर ये गेम सक्सेसफुल होगा तो ये इंडियन कंपनी सक्सेसफुल होगी, आगे जाकर और इंडियन वीडियो गेम कंपनी सक्सेसफुल होगी और इवेंचुअली इंडिया सक्सेसफुल होगा। तो होपफुली इस गेम के अराउंड जो कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, जो सवाल हैं, उनको मैंने आंसर कर दिया। अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस को मैंने आंसर नहीं किया है तो वो क्वेश्चंस नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है, अगर आपको श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना है तो नीचे पेट्रियन के बटन पर क्लिक करें, श्याम शर्मा शो के एक पेट्रन बने। और अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आपको ये शो पसंद है लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अरे भैया तो किस बात का इंतजार कर रहे हो, हैं? छोटा सा बटन है, क्लिक करो, एक क्लिक लगेगा, सब्सक्राइब हो जाएगा, फिर बेल आइकॉन को भी दबा देना है, आपको फिर नोटिफिकेशंस आ जाएंगे उसके। यहाँ पर हमारे और भी वीडियोस हैं, इनको भी जाकर देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और फिर मिलेंगे।